कश्मीर में ससुराल भी है, कश्मीर से प्यार भी है। यहाँ पर एक पॉलिटिकल हैपनिंग हो रही है जिसे कांग्रेस पार्टी नॉन पॉलिटिकल यात्रा बोलती है। यात्राएं जब होती हैं या बड़े लीडर्स कोई आते हैं, व्हाट डज इट मेक यू फील? नथिंग, जीरो। यू थिंक एनीथिंग इज गोइंग टू चेंज विद दैट यात्रा? नथिंग। ये जो ये फैरन है, ये इंदिरा जी ने भी पहनी, सोनिया जी ने भी पहना। तो आपको लगता है कि भारत टूटा हुआ है जिसे जोड़ने की जरूरत है? नहीं, ये तो सेम होता है, ये तो टूटा क्या टूटा है। हाँ। ये तो आपका दिल का मर्जी होता है। अभी तक जो गवर्नमेंट यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला था या उमर अब्दुल्ला था या मुफ्ती साहब था, उनकी बेटी थी या बहुत सारे लीडर थे यहाँ पे, वो सिर्फ अपने के लिए। कन्याकुमारी से वो निकले द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड टू द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ पर यात्रा खत्म हो रही है। पता चल रहा था, कोई डिस्कशन हो रहे थे? एग्जाम चल रहे थे हमारे, तो हम अभी एग्जाम्स के साथ ही ज्यादा बिजी थे। नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट बताने की जरूरत नहीं, श्रीनगर कश्मीर से। और सामने जब इस वक्त नज़र जाती है डल की तरफ, जब आप देखते हैं तो जहाँ देने वाली ठंड के बीच जब शब्द भी मुंह से ठीक से नहीं निकल पा रहे हैं, इन सब के बीच आपको विदेशी मेहमान जो है यहाँ पर मटर गश्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाहर से आए ये पक्षी जो अमूमन इस मौसम में यहाँ पर आते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने ऐसा बताया है। तो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से आए हुए मेहमान आपको दिख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मेहमान भी पहुँच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा आ रही है और जब मैं बुलवर्ड रोड पर इस वक्त आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे ठीक सामने भारत जोड़ो यात्रा का ये पोस्टर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी का स्वागत करते हुए। तो इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए डल के किनारे किनारे होते हुए ये भारत जोड़ो यात्रा आगे जाएगी, जिस बात की जानकारी हमें मिली है। और इस दौरान जो मार्केट्स हैं वो सब बंद रहेंगी, तो हमने सोचा कि हम आज ही लोगों के बीच पहुँचेंगे, उनसे बात करेंगे। तो सवाल जहन में कई हैं, तो जब डल की तरफ इस वक्त नज़र आ रही है, क्योंकि अमूमन, सॉरी मेरे वर्ड्स अगर आपको फंबल होते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ठंड बहुत है, तो डल की तरफ जब नज़र जाती है तो अमूमन मेरे को वो तस्वीरें इस वक्त याद हैं जब डल जो है वो जम जाती है। मैं तो आज आई तो अभी तो पानी आपको यहाँ पर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस बार ऊपर बस हल्की सी बर्फ़ की एक लेयर आई। लेकिन देखिए, ये भी एक अलग तरह का मेटाफर है कि इस वक्त डल के ऊपर आपको वैसी बर्फ़ नहीं दिखाई दे रही है जिस पर आपको बच्चे क्रिकेट खेलते तक दिखाई दे जाते थे। यानी अगर आप इसे मान लें कि वो जो एक ठंडक होती है जिसमें बर्फ़ आपको जमा देती है, आपके एहसासों को जमा देती है, जहाँ पर आप नम्ब हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, शायद ना महसूस कर पाते हैं ना कुछ कह पाते हैं, उससे बेहतर कम से कम ये एक स्थिति ज़रूर है जहाँ पर इतना ताप है कि उस ताप से एक नई ऊष्मा एहसासों की पैदा की जा सके। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि इस वक्त जो एक गर्माइश आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, पॉलिटिकल हलचल से लेकर सवालों की, उत्सुकताओं की, क्या उससे राजनीतिक रूप से कश्मीर का भविष्य बदलेगा? तो आज इन्हीं सवालों को लेकर मैं लोगों के बीच पहुँच रही हूँ। देखते हैं इस बातचीत में आगे क्या निकलता है। कीप वॉचिंग द रिपोर्ट। आज की सुबह श्रीनगर लैंड करने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी एक्साइटमेंट है कि क्या दिखने वाला है। ये इस सीज़न में मेरा कश्मीर आना पहली बार हुआ है। इससे पहले समर सीज़न में नहीं, आई थिंक हाँ नवंबर में मैं इससे पहले एक बार आई हूँ, बट अभी क्योंकि बिल्कुल जब बर्फ़ गिरती है वो वाला सीज़न है, तो बहुत अलग तरह का माहौल है। लेकिन इन सबसे अलग आज की जो मेरी पहली रिपोर्ट है वो इस सवाल पर है कि 370 हटने के बाद प्रेजेंट डे कश्मीर क्या है। और देखिए, जैसे ही मैंने आपसे ये कहा उसके बाद सामने का जो नज़ारा है वो दिखाऊंगी आपको आगे साथ साथ साइमल्टेनियसली। और ड्राइविंग सीट पर इस वक्त मोइन हमारे साथ हैं। वारिश यू मोइन, वारिश यू, सही बोला मैंने? गलत बोला? नो मैम, वारिश यू, वारिश यू, ठीक है। थोड़ा सा मुझे प्रोनंसिएशन का क्या कहते हैं उसे, वो पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो मिल जाएंगे। सो मोइन यहाँ पर जो है कश्मीर बेस्ड आर्टिस्ट हैं,
म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं, म्यूज़िक के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं, इसके लिए डिटेल रिपोर्ट आपके पास आगे आएगी जब हम मोइन का स्पेशल इंटरव्यू करेंगे। लेकिन आज ये हमें श्रीनगर पूरा दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोगों से मिलवाएंगे, बात हम करेंगे। सो मोइन, कैसा है कश्मीर श्रीनगर अभी एज ऑफ नाउ? जैसा था तो वैसा ही है, बिल्कुल ठीक है मैम। ऐसा ही है, आई विल होल्ड इट फॉर यू, फोन वाली। जैसा था पहले वैसा ही है? जी मैम वैसा ही है। तो 370 हटने के बाद मतलब कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं आए? नो मैम, कोई चेंज नहीं आई। सो अभी बिजनेस के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से कैसे हैं हालात यहाँ पर? टूरिज्म के लिहाज से मैम पिछले साल से अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत फ्लो आ रहा है, तो शुक्र अल्लाह का, मतलब टूरिज्म का काम तो अच्छा चल रहा है यहाँ। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बड़ा वो है कि कश्मीर में एक बड़े टाइम के बाद ऐसे कोई पॉलिटिकल यात्रा पहुंची है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी चलकर आए हैं, कश्मीर के यूथ इस वक्त क्या सोच रहे हैं? मैम सीरियसली आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दिस थिंग्स, तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। हाँ। वैसे आपको जानकारी थी कि यात्रा होने वाली है या ऐसा कुछ, कैसे पता चला था पहले? मैम मुझे पता ही नहीं थी, कल हम जम्मू से वापस आ रहे थे तो उधमपुर में रोका पहले एक घंटा, फिर मतलब सफर ही करना पड़ा उस वजह से, नगरोटा में भी रोका एक घंटा, तो फिर पता चला कोई आया है, कुछ यात्रा चल रही है। वरना अदरवाइज यहाँ पे मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा सोचना इस बात की नहीं थी, हो सकता है मेबी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। मेबी मैम। चलो अंदर जाना क्या? सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। अच्छा आप तो कांगड़ी लेकर बैठे हैं? हाँ। चलिए देखिए, कश्मीर में ये सर्दी के रंग और सर्दी के इंतज़ाम है। इधर देखिए, फेरन पहनी है आपने और कांगड़ी लेकर बैठे हैं। नॉन कश्मीरीज के लिए बता रही हूँ, थोड़ा सा इधर करके दिखाइएगा इसको। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कांगड़ी बनी और उसमें जो कोयले रखे हैं, आग का गरमाइश का ये थोड़ा इंतज़ाम है। इसे कपड़े नहीं चलते? नहीं, हम ढंग से पहनते हैं ना। अनुभव, एक्सपीरियंस और ट्रेडिशन, दैट्स ट्रू। इसको क्या, इसके फेरन के अंदर भी रखते हैं? फेरन के अंदर ही रखते हैं। तो जलता नहीं है? नहीं नहीं। कितना, मैं देख सकती हूँ इसे टच करके? अंदर ही, ऊपर देखिए। ये है नेचुरल हीटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, अ हीटर इज देयर विद यू। कैसे अंकल अभी कश्मीर का हाल क्या है यहाँ पर? ठीक है, कश्मीर ठीक है। अभी टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं? टूरिस्ट आ रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पहुँच रहे हैं यात्रा के लिए, सुना आप लोगों ने? सुना, टीवी पे देखा है। टीवी पे देखा, मेरे ख्याल से यहीं से निकलनी है शायद यात्रा उनकी, डल के सामने से, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसा ही सुनने में हमको भी आ रहा है। तो यहाँ कश्मीर के लोग इस तरह की यात्राएं जब होती हैं या बड़े लीडर्स कोई आते हैं, व्हाट डज इट मेक यू फील? नथिंग, नथिंग, जीरो, जीरो। यू थिंक एनीथिंग इज गोइंग टू चेंज विद दैट यात्रा? और नथिंग, बस ये है कि वो अपनी प्रेजेंस मार्क करा के जाते हैं। That is true, that is true, that is true. कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि क्योंकि हम भी इसी वजह से यहाँ कवरेज के लिए जैसे पहुँचे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि कश्मीर से ये आवाज़ देश के बाकी हिस्सों में जानी चाहिए? एनीथिंग दैट यू वांट टू से? एवरीथिंग शुड बी, वी थिंक, आई थिंक वी आर नॉट पॉजिटिव दिस टाइम। द पीपल ऑफ दिस कंट्री और दिस कॉन्टिनेंट, वी हैव बीन पार्शली divided mentally. So as soon as we will be equal all together, there will be all solutions on that, whether it is UP, Kashmir or somewhere else. 370 के बाद आज का कश्मीर वैसा ही है, कुछ बदला है? No, for that, बेहतर हुआ है, खराब हुआ? I am sorry, I can't talk about this. अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगी आपसे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो अगर पावर में आएंगे तो वो 370 को बहाल करेंगे, वापस लाएंगे। उनके साथ उमर अब्दुल्ला भी उस दिन उनकी यात्रा में शामिल हुए थे। जब कश्मीर के लोग ये सब बातें सुनते हैं तो उनके जहन में कुछ, इट्स ऑल फॉल्स, वी कांट, वी डोंट ट्रस्ट, यू डोंट ट्रस्ट, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंड इट इज फॉर एवरी लीडर एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, इट्स ट्रू, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, अनटिल एंड अनलेस दिस ट्रस्ट विल नॉट बी रिमेनिंग, nothing will be a positive. So called prime minister has not been given any press conference since 9 years. Have you asked any question? No, hum to intezar hi karte rahe ki press conference ho to hum puche, because you are under the, I'm sorry, I don't want to talk about the
पॉलिटिक्स नाउ। ओके चलिए फिर कुछ और बात करते हैं, जो आपका मन है वो बात करेंगे। मैं देख रही हूँ आपकी शॉप में मुझे बहुत सारे कश्मीरी सोवनियर्स और बहुत सारा कश्मीरी कल्चर से जुड़े हुआ प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। कितने साल से आपकी शॉप यहाँ पर? 50 years। 50 years, माय गुडनेस। ये तो इसको क्या सिल्वर जुबली बोलते हैं ना, और गोल्डन जुबली नहीं, आई थिंक 25 इज सिल्वर, 50 इज गोल्डन, 75 इज डायमंड। That's how like they call it these days. तो आपकी फिर golden jubilee है मतलब? It is from my papa's time. Okay. So he has worked here hard, and we are also working hard. We are making this. We are giving a work for hundreds of artisans. जितना सामान मैं अभी यहाँ पर देख रही हूँ, ये इसमें handicraft भी है, कुछ machine वाला सामान भी है, सर्दी गर्मी दोनों तरह के कपड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कश्मीरी कढ़ाई तो बहुत ही खूबसूरत है, तिल्ले वाला काम भी दिख रहा है एक जगह पर। तो ये कश्मीर का जो यहाँ की जो काम की और कढ़ाई की खासियत है पूरे दुनिया में मशहूर है। मुझे बताइए कि अभी बिजनेस जैसे बाकी सालों में चल रहा था वैसा चल रहा है, या तो टूरिस्ट के आने से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है? नहीं, इम्प्रूवमेंट क्योंकि कोविड के बाद मेरे ख्याल से 2022 वी कांट डिनाई इट द टूरिज्म सेक्टर हैव बीन ग्रोइंग। यस, तो अभी जैसे लोग आ रहे हैं तो वो पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा सा बेटर इम्प्रूव हुआ है ना? हाँ, बहुत इम्प्रूव। अभी विंटर में भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, बेटर देन द अदर विंटर्स, राइट। एंड इसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन बदकिस्मती से लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और लैक ऑफ द गवर्नमेंट इंटरेस्ट, क्योंकि पॉलिटिक्स ओनली पॉलिटिक्स वी आर टायर्ड नाउ। थोड़ा सा सामान देख सकती हूँ मैं आपके यहाँ का कि क्या क्या है यहाँ पे? सबसे अच्छा जो पीस है वो दिखाइए एक बार मुझे, हालांकि आप तो कहेंगे सब अच्छा है। दीज आर कश्मीरी फेरन, जो आपकी शॉप की स्पेशलिटी है वो बताइएगा। स्पेशल है ये सारा, दीज आर फेरन। और एक और है ट्रेडिशनल, ये कोट बनाया हमने एम्ब्रॉयडरी में ही, दीज आर शॉर्ट कोट्स, ये जीन्स के साथ, वेरी ब्यूटीफुल। ये देखो, ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं आप, हर जगह यूज कर सकते हैं। और इसमें हमने बनाया एक और ये लॉन्ग वाला, जस्ट मिनट आई विल शो जी, दीज आर, जब आप बोले तो माइक पे बोलिए। हां, दिस इज वन मोर लॉन्ग वाला, सो ब्यूटीफुल। दिस इज आल्सो, यू कैन यूज इट दिस इन ऑफिस आल्सो, सी दिस इज आल्सो ट्रेडिशनल, जो मैंने पहना ये भी ट्रेडिशनल, ये भी, दिस इज आल्सो फेरन, दिस इज, ये जेंट्स हैं, ये लेडीज हैं। इस वक्त हम लोग डल के किनारे मौजूद हैं शिकारों के लिए। देखिए टूरिस्ट शिकारा राइड लेने के लिए भी यहाँ पहुँच रहे हैं। ये कश्मीर की खूबसूरती है जिसका आनंद हर कोई लेना चाहता है जो श्रीनगर आता है। लेकिन हम जब दिल्ली से आए तो सवाल हमारे पास कहीं, और उन सवालों के जवाब जानने के लिए जो यहाँ पर लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। कैसा है कश्मीर में? कश्मीर में ठीक है, अच्छा है, टूरिज्म आ रहा है, अच्छा है, आ रहा है। आखिरी बार बर्फ कब गिरी थी? आखिरी बार तो पिछले टाइम में गिर गई थी, यहाँ पे कम गिर गई थी, बाकी गुलमर्ग पहलगाम साइड में ज्यादा गिर गया था। इस बार अभी तो कश्मीर में यात्रा वात्रा चल रही है, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, पता है आप लोगों को? आ रहे हैं। अभी बंद हो जाएगा, मैक्सिमम 4:30 बजे बंद हो जाएगा, 2 दिन के लिए यहाँ पे आ रहा है वो। अच्छा, तो 2 दिन के लिए क्या कुछ बंद होना है यहाँ पर एरिया? तो ये जो रोड है इस रोड पे गाड़ियाँ वाड़िया नहीं चलेगी। अच्छा, इसी रोड से मेरे ख्याल से फिर वहाँ पर जो होटल है संतो, वहाँ पर इसकी मीटिंग है। अच्छा अच्छा जी। तो राहुल गांधी दिल्ली से यहाँ यात्रा कर रहे हैं, कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? इस बारे में जो अच्छा राहुल गांधी के आने से कुछ बदलेगा कश्मीर में, या इस यात्रा को लेकर कोई एक्साइटमेंट है यहाँ पर? वी ट्राई आल्सो हियर, आएगा तो देखेगा क्या हो जाएगा। वैसे तो ठीक होना चाहिए, क्योंकि लिए बहुत टाइम हो गया तो ठीक नहीं है। वी टेक द डेवलपमेंट नॉट हियर, डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं हो गया। 370 हटने के बाद यहाँ कुछ बदला? कुछ भी नहीं है मैम, कुछ वैसा ही है। पहले तो अच्छा था, जो 370 था ना, जब से वो हटाया तब से कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन क्या अच्छा नहीं हुआ, अगर आप थोड़ा और स्पेसिफिकली बता सकते? डेवलपमेंट्स नहीं हो गए मैम, डेवलपमेंट्स मतलब कुछ काम के लिए, कुछ इंडस्ट्रीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो गया। थोड़ा वो प्रॉब्लम हो गया 370 से, बहुत प्रॉब्लम हो गया, इसके वजह से प्रॉब्लम हो गया बहुत। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया है, जो LG ऑफिस है उनकी तरफ से, ऐसा नहीं? कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे फिर एक चीज़ और बताइए, राहुल गांधी ये कह रहे थे जब वो जम्मू एंटर हुए, उन्होंने कहा कि वो अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि उनके गांधी परिवार की लिनेज कश्मीर से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम 370 बहाल करेंगे, ये उन्होंने कहा। आपको आपको लगता है कि ये संभव है? ये टेक द ट्राई आल्सो हियर, देखेगा क्या हो जाएगा।
अभी तो पूछे ये जान नहीं है, देखेगा जब आएगा तो तब तभी हो जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जोड़, उनकी यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा, वो ये कह रहे हैं कि हम भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं, तो आपको लगता है कि भारत टूटा हुआ है जिसे जोड़ने की जरूरत है? नहीं, ये तो सेम होता है, ये तो टूटा क्या टूटा है, ये तो आपका दिल का मर्जी होता है। यही है नफरत दूर करने की बात कर रहे हैं, नफरत को ये तो बहुत। अच्छा, राहुल गांधी से मिलने का मौका आपको मिलेगा तो क्या कहेंगे? ये नहीं मिलता है, ये क्या मिलता है? हा? ये नहीं मिलता है। अच्छा बाबा, आपने तो ना बहुत सारी चीजें यहाँ पे बदलते हुए देखी होंगी, मतलब अलग अलग सरकारों को आते जाते देखा है, कभी किसी की गवर्नमेंट आ रही है, कभी किसी की गवर्नमेंट आ रही है, तो सबसे अच्छी गवर्नमेंट कश्मीर में अब तक किसकी गई? कौन सा ये होता है? फारूक अब्दुल्ला में होता है, फारूक अब्दुल्ला की ठीक थी। आपकी नजर में सबसे अच्छी गवर्नमेंट किसकी रही अब तक? अलग अलग सरकारें आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई, पीडीपी की आई, अब तो बीजेपी भी मिक्स। कोई गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छी नहीं चल रही है, लोगों को दिन ब दिन मुश्किल पड़ती है, कोई मिसल सहूलियत नहीं मिलती है लोगों, जा लोग मिसल किसी की तारीफ करें, कोई अब यहाँ पे तारीफ करने के लायक नहीं। जो लोगों से बात करके एक सेंटिमेंट यहाँ पर समझ में आ रहा है वो ये कि वो इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि वादे बहुत हुए लेकिन असल में वैसा कुछ हुआ नहीं, चाहे वो पुरानी लीडरशिप जो यहाँ के क्षेत्रीय दलों की रही हैं या फिर 370 के बाद के हालात में भी एक निराशा ज़रूर लोगों के भीतर दिखाई देती है, लेकिन फिर उस पॉलिटिकल वैक्यूम का जिक्र यहाँ के स्थानीय ज़रूर करते हैं कि जब तक वो वैक्यूम भरेगा नहीं सही तरह से, शायद तब तक कश्मीर की किस्मत वैसी नहीं बदलेगी जिसकी उम्मीद की जाती रही।